प्रमुख शिक्षाविद और जेले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायण दास अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, मुकेश खंडेलवाल जी, पूर्व विधायक गण चौधरी प्रणत पाल जी, रविकांत गर्ग जी, कारिता सिंह जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए हमारे सभी नेतृत्व वर्ग, जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं, श्री जी बाबा संस्था और रुद्र विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीलर एसोसिएशन, मथुरा ओडीओपी से जुड़े हुए इस संस्था के पदाधिकारीगण, रामलीला सभा, विद्या धाम मेला समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और तमाम अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबका, आगत महानुभावों का वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा पर आदि के बीच होली के अगले दिन ही मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज तीर्थ विकास परिषद संपूर्ण ब्रज को यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उसकी पुरातन विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। एक अद्भुत संजोग की विरासत भी और विकास भी, इन दोनों को लेकर के आज देश के अंदर एक नया जो प्रभाव पैदा हुआ है, यह हम सबको देखने को मिला होगा। मैं पिछले 15 दिन से एक गाना सुनता हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा, भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार तो कर ही रही होंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहां आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल गोवर्धन नंदगांव बलदेव यहां पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में और तो श्रद्धालुजनों की भीड़ देखते हुए बनती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखिए इस धरती का कितना बड़ा प्रताप है और कितनी बड़ी ताकत है। याद करिए 2021 में
जब वैष्णव महाकुंभ का आयोजन यहां हुआ था यमुना मैया के तट पर उन्हीं की कृपा से वृंदावन बिहारी लाल के जो असीम आशीर्वाद और कृपा हम सब पर थी, जिस दिन तक पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ यहां पर था तब तक कोरोना का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था, और जैसे ही कुंभ विसर्जित हुआ कुंभ की उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी किस रूप में फैली, देश में थी पूरी दुनिया में थी, लेकिन उस सबके बावजूद जो जज्बा था यहाँ का वो देखने लायक था और अभिभूत करने वाला था, एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला था, और उस ताकत के कारण ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता प्राप्त कर ली। बंधु आज पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है, दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है, लोग सम्मान के साथ भारत को देखते हैं, हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है तो उसके लिए दुनिया के सामने एक सम्मान देने का एक भाव उसके मन में उभरता है, ये भारत के लोग हैं, हर भारतवासी को सम्मान मिलता है, आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया ने देखा है भारत के अंदर